संगीत के सभी प्रेमियों का हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक रतिराम का हारमोनियम लेकर आए हैं जो कि मेल का हारमोनियम है और विद कपलर है। इस हारमोनियम के अंदर कपलर लगा हुआ है और बहुत ही साफ सुथरी कंडीशन का हारमोनियम है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा इस टाइप का है ये हारमोनियम। इसका कवर लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा बहुत ही अच्छी कंडीशन का हारमोनियम है। देखिएगा टोटल फ्रेश हारमोनियम है विद कवर के साथ। ये कवर लगने के बाद देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है हारमोनियम ये। और मैं दिखाता हूँ इसकी कंडीशन आपको। 5-स्टॉपर हारमोनियम है क्योंकि मोस्टली जो हारमोनियम 50 ईयर्स ओल्ड यानी कि 50 साल के आसपास के हैं उनमें आपको 5-स्टॉपर्स ही मेनली देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी 5-स्टॉपर हारमोनियम है जिसमें ये कपलर का एक स्टॉपर है और ये एक्स्ट्रा नोट्स है इसमें और 3 ये स्टॉपर्स हैं एयर को कंट्रोल करने के लिए। और मैं दिखाता हूँ देखिएगा ये इसकी ब्रास की एक्सेसरी इस टाइप की जो कि ओल्ड हारमोनियम में एंटिक हारमोनियम में ही आया करती है। आजकल इस टाइप का वर्क देखने को नहीं मिलता। और ये देखिएगा ये इसके ब्रास के हैंडल हैं। रतिराम लिखा हुआ नहीं है हैंडल के ऊपर लेकिन ये देखिएगा कितनी साफ सुथरी कंडीशन का हारमोनियम है। मैं अभी आपको लोगो दिखाऊंगा रतिराम का। ये देखिएगा ये इसके ब्रास की एक्सेसरी है दोनों कॉर्नर पे और बिल्कुल ही फ्रेश हारमोनियम है। ये इसका बाल है रतिराम का, देखिएगा इस टाइप का ये इसका पोर्शन है। सिंगल बेलो हारमोनियम है ये। और ये देखिएगा इसके कॉर्नर दोनों साइड के और ये इस पर एक्सेसरी है, इस पर ब्रास की लगी हुई। और ये देखिएगा ये इसका रतिराम ये हैंडल है बट इस पर रतिराम लिखा हुआ नहीं है। ये भी इसकी पूरी कंप्लीट एक्सेसरी इस हारमोनियम की है, कोई भी मिसिंग नहीं है। चाबियों का पैटर्न देखिएगा जर्मन सेलोलाइट इसके ऊपर लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टाइप का। और पूरी जितनी भी चाबियाँ हैं 3.25 ऑक्टेव का हारमोनियम है ये। सारी चाबियों के ऊपर देखिएगा ब्रास का वर्क ये किया गया है कि मोस्टली रतिराम के हारमोनियम में आपको ये वर्क देखने को मिलेगा। बहुत कम चांस होता है जिसमें ये ब्रास का वर्क ना हो लेकिन ज़्यादातर रतिराम के हारमोनियम में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये कपलर विद कपलर हारमोनियम है और आप देख पा रहे होंगे इसके देखिएगा स्क्रू के ऊपर जो बार्सर लगे होते हैं वो भी ब्रास के इसके अंदर लगे हुए हैं। ये भी सारे ब्रास के हैं। ये क्लिप है ये भी ब्रास का है। ये कॉर्नर है ये भी इसमें ब्रास के लगे हुए हैं। कोई भी हमने इसके साथ फेरबदल नहीं किया है। बिल्कुल ओरिजिनल हारमोनियम है ये 3.25 ऑक्टेव का जिसमें स्पेशल का रीड लगा हुआ है बहुत ही हैवी क्वालिटी का। और मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ एक बार। और लोगो की बात करें तो देखिएगा लोगो, ये इसका लोगो है रतिराम एंड सन्स का लोगो है। 1895 इस पर डेट पड़ा हुआ है देखिएगा ऊपर। और मैं दूसरा लोगो दिखाता हूँ आपको। एक लोगो और है इसके ऊपर लगा हुआ देखिएगा यहाँ पर और एक इसके अंदर लोगो लगा हुआ है। एक स्टिकर टाइप यहाँ पर लगा हुआ है इसकी किस्ती में अंदर, वो भी मैं अभी खोल के नहीं दिखा पाऊँगा आपको। बट जब आप मेरे से मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा उसके थ्रू आप सारी डिटेल मेरे से मंगा सकते हैं। साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ आपको। और इस हारमोनियम का जो सीरियल नंबर है 264 है तो कृपया आप कॉल करते समय सीरियल नंबर मुझे अवश्य बताएं ताकि इसके बारे में मैं आपको बेहतर जानकारी दे पाऊँ। इसका फुल वर्किंग कंडीशन में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली अभी इसका सर्विस कराया गया है तो अभी एयर फिटिंग ट्यूनिंग इसका सारा ओके है। कोई भी वर्क आपको कराने की ज़रूरत नहीं। बात करें इसका एज का तो लगभग 50 ईयर्स ओल्ड हारमोनियम है ये। कम से कम 50 साल पुराना ज़्यादा ही होगा, मैं तो एक्सपेक्ट आपको डेट बता रहा हूँ इसका 50 ईयर्स ओल्ड। और ये इसका जो पैटर्न है देखिएगा किस टाइप का बनावट है इसकी। ये जो स्पेशल जो सेलोलाइट लगा होता है रतिराम के मोस्टली हारमोनियम में आपने को आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का, क्योंकि ये दोनों कॉर्नर इसके दूसरे कलर के होते हैं, बीच की फट्टी भी दूसरे कलर की होती है। उसी टाइप का है ये बना हुआ सेम।
फुल सारा वर्क इसमें ओके कंडीशन है। सिर्फ एक चाबी का हल्का सा सेलुलाइट ये टूटा हुआ है, अन्यथा कोई भी चाबी का कोई भी सेलुलाइट बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। और जो भी संगीत प्रेमी इस हारमोनियम को लेना चाहें वो मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर इस हारमोनियम को प्राप्त किया जा सकता है। कंडीशन आपने देख ही ली, इसकी बिल्कुल फ्रेश हारमोनियम है, कोई भी आपको वर्क कराना इसमें नहीं पड़ेगा। साउंड क्वालिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर हारमोनियम में जो पुराने हारमोनियम में कपलर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बट इसमें कपलर है जो कि राजस्थान के जो संगीत प्रेमी हैं या जो संगीतज्ञ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि ज़्यादातर उनको इसी टाइप का हारमोनियम की डिमांड ज़्यादा रहती है राजस्थान में। देखिएगा एक्स्ट्रा नोट है इसका, वो भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार, देखिएगा। फुल वर्किंग कंडीशन में हारमोनियम है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसका जो सीरियल नंबर है 264 नंबर है। मेरा मोबाइल नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके द्वारा आप मुझे कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप करके इसका डिटेल मंगा सकते हैं। रतिराम का हारमोनियम है ये, लगभग 50-60 साल पुराना। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी संगीत प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद।